दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, वो मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, स्मॉल गार्डन विद आरजे की जानिब से आप सबको, मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम प्लांट लवर्स मैन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आइए फ्रेंड्स, दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ईद की खुशियाँ इस शीर खुरमे के बगैर नामुकम्मल हैं। और फिर दिखाते हैं हम आपको अपनी ईद की न्यू शॉपिंग। ये देखिए, ड्रायसिना रेड वैरायटी, और एक लिया हमने ये अरेलिया, वेरिएटेड अरेलिया। दो प्लांट हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत। इसके साथ है मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, कुछ सदाबहार, कॉक्सकॉम, ये देखिए मुर्गा कलगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ईद की शॉपिंग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एक गार्डनर को हर मौके पे अपने प्लांट याद रहते हैं, और हम कभी नहीं भूलते अपने प्लांट्स को अपनी खुशियों में। तो दोस्तों, इस न्यू शॉपिंग के साथ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की सुबह है, बहुत खूबसूरत, ईद खुशियों का नाम है दोस्तों। और ये बहुत ही प्यारा सा प्लांट जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है, ये भी हमने लिया है। ये भी हमारी ईद की न्यू शॉपिंग है। देखिए, इसके तो सिर्फ लीव्स भी बहुत खूबसूरत हैं। और एक जंगल लुक दोस्तों, ये देखिए, बिल्कुल मेरी इस पैरागस फर्न ज़बरदस्त। जीनिया, जीनिया फ्लावर, दो प्लांट दोस्तों हमने जीनिया के लिए हैं। और ये हमारा टिकोमा येलो बेल, ज़बरदस्त फ्लावरिंग कर रहा है, इस कदर भर भर के इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, ईद की सुबह है, और एक छोटा सा हमारा गार्डन का लुक। ये देखिए, बोगनवेलिया कितना ज़बरदस्त ब्लूम कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी ईद मुबारक की वीडियो के साथ बाय बाय। आप सबको भी ईद मुबारक। मेरे खूबसूरत प्लांट, और दोस्तों चांद रात में हमने भी ये मेहंदी लगाई, और आप सबको ईद मुबारक कहा। ये देखिए, स्मॉल गार्डन विद आरजे। ओके दोस्तों, बाय बाय। ईद का दिन हो दोस्तों, और शीर खुरमे का, सिवैयों का जिक्र ना हो, तो फिर क्या बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो फाइनल डिश जो हमने चांद रात को तैयार की, और इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हैं हमारे माश की दाल के दही बड़े। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी रिवायती डिश है, और ईद के मौके पर इन्हें ज़रूर बनाना चाहिए, और अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को खिलाना चाहिए। तो ये देखिए, ये थी हमारी चांद रात की तैयारियाँ। इस पर हल्का सा हमने चाट मसाला भी डाल दिया है, और तो
तो फ्रेंड्स, ईद की खुशियाँ इसी तरह दोबाला होती हैं, आप भी इंजॉय कीजिए और ईद मुबारक को खूब खूब ईद मुबारक बनाते जाइए। हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ईद उल फितर की चांद रात है, आप सबको ईद की चांद रात मुबारक हो। और ये देखिए, सुबह ईद है और ईद की तैयारी किस तरह की जा रही है। ये देखिए, ये शेरपुर में के लिए दूध ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब सब घर में आएंगे तो ये शेरखुरमा रेडी होना चाहिए। और ये देखिए, मेरे घर के ही ट्री का कोकोनट, ये गोल सा जो प्यारा सा आपको नज़र आ रहा है, और ये ड्राई फ्रूट कटा हुआ है शेरखुरमे के लिए, खुरमे, और ये दूध गर्म हो रहा है। और जनाब, दूसरी तरफ जा रहा है ये कुकिंग ऑयल दही बड़े बनाने के लिए, माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए बैटर तैयार है। और दिखाते हैं आपको, ये थी हमारी, तो फ्रेंड्स ये है हमारी चांद रात की तैयारी जो हम सुबह के लिए कर रहे हैं। और ये देखिए, मेरे शेर खुरमे का सामान, ये सेवैयाँ रखी हुई हैं, और ये प्यारा प्यारा सा बहुत ही खुशबूदार असली ज़ाफ़रान, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा माश की दाल का बैटर, और सुबह तक ये सब चीज़ें रेडी होंगी। सारी रात आज जाग के हमें ये पकवान तैयार करना है। तो फिर मिलेंगे सुबह में ईद की नमाज़ के बाद, जब ये सारा सामान जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी होंगी, शेरखुरमा, माश की दाल के दही बड़े, फिर मिलेंगे और इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। जनाब, दही बड़े भी फ्राई हो गए हैं और सुबह हम इन्हें दही में डिप कर देंगे, जो खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। दोस्तों, ईद की चांद रात है, मेहंदी लगाने का नाम, चूड़ियां पहनने का नाम, और बहुत सारे मज़ेदार पकवान पकाने का नाम। तो हमने भी ये रस्म इस तरह से अदा की, ईद मुबारक स्मॉल गार्डन विद आरजे की जानिब से तमाम दोस्तों और बहन भाइयों को ईद की चांद रात मुबारक।